आज वी स्पोर्ट्स बैठक में खुश आमदी भाई। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बैठक के अंदर शामिल हो जाएं भाई। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप के अंदर, 8 में से 8 मैच जीत चुके हैं इंडिया और सारे मैचेस कन्विंसिंगली जीते हैं भाई, कोई चांस नहीं दिया। इसके अलावा मैं विश करना चाहूंगा इंडियन लेजेंड हु बैट्स एट नंबर 3 द किंग विराट कोहली को हैप्पी बर्थडे भाई। बिग फैन विराट भाई, आपने क्या परफॉर्म किया आज के दिन, सालगिरह पे उन्होंने सेंचुरी मार दी है। और मेरा एक ड्रीम है वैसे इंडिया के लिए, विराट कोहली ने इतनी अचीवमेंट की है, मैं चाहता हूं कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जरूर खेले अपनी रिटायरमेंट से पहले और पाकिस्तान के अंदर खेले। यहाँ पे फैंस जो है ना वो आपको सर पे बिठा लेंगे, यहाँ पे आप आएंगे ना अगर तो पाकिस्तान जो है पूरा ब्लॉक हो जाएगा आपके लिए। और ना जो ब्लॉक करेंगे ना उनकी शहरियत पे भी सवाल नहीं होगा। हाँ। तो भाई ये हमारा ड्रीम है, आई होप कि आपकी रिटायरमेंट से पहले ये पूरा जरूर हो। आज के मैच के बारे में बात करना चाहूंगा अपने दोस्तों से कि भाई इंडिया ने जिस तरह से आज अनदर टाइम कन्विंसिंगली ये मैच जीता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है भाई जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं? जुबैर भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, एक तो वो मेहनत बहुत कर रहा है इंडिया, और उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले से उनकी मेहनत दिख रही थी कि उन्होंने किस तरह हमारे खिलाफ जो है मैच में कमबैक किया, और उसके बाद से उनका एक अच्छा दौर शुरू हो गया है। मैं तो दौर ही कहूँगा चूँकि एशिया का पूरा वर्ल्ड कप भी एंड होने को है और इनका दौर चल ही रहा है। और आपको एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि इंडिया ने अपने 8 में से सिर्फ 3 मैचेस के अंदर 200 से ऊपर रन खाए, वो भी उनको इन्होंने 300 तक नहीं जाने दिया, 275-280 पे इन्होंने फारिग कर दिया। और दो मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर इन्होंने अंडर 100 आउट करे हैं, और बगैर बचनी है 3 टीमें जिन्होंने 100-200 के बीच में रन बनाए। मतलब इतनी तो एक्यूरेसी के साथ ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं। 400 यार देखो ना, आप देखो होम कंडीशंस का वो फायदा प्रॉपर उठा रहे हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यार ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, हमारा स्विंग भाई वो डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं। शामी की आप सीन देखो कि हमेशा स्ट्रेट रहती है, बुमराह सिराज एक तरफ से बुमराह प्रेशर डालता है, सिराज आके विकेट निकाल लेता है, फिर शामी आता है, शामी आते ही 1-2 दफ़ा विकेट ले पहले ओवर में और बैक टू बैक विकेट ले रहा है। यानी आप ये देखो इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 दफ़ा ऑन हैट्रिक था शानी, और 2 दफ़ा जो है फाइफर ले चुका है वो। सही। और हमारे शाहीन और इन लोगों को यार मुझे देख के हैरत होती है, हारिस रऊफ और अफसोस। यानी मतलब कुदरत के निजाम के साथ वही जो आपने बोला था ना, वही जिल्लत का मुकाम, वो दोनों हमारे नसीब में ही आ रहा है भाई। चले अली भाई, क्या कहेंगे आप इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में? सबसे पहले तो मैं कहूंगा जुबैर ने जितनी तारीफ की आपको भी मेजर का रुतबा देना पड़ेगा। अब हमारे मेजर अदनान सुनी थे, अब मेजर जुबैर आएंगे। भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि जाहिर है इंडिया के खिलाफ कोई 200 कैसे, मुझे तो 100 रन भी कोई बना लेता है तो ताज्जुब होता है, क्योंकि जिस तरह का DRS सिस्टम इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जो सिर्फ इंडिया के हक में दिए जा रहा है, आउट दिए चला जा रहा है, यार मेरी तो समझ से बाहर है। कोई एक बंड हो तो समझ आए ना यार, एक कोहली की वाइड बॉल होती है, वो कोहली को लगता है वाइड बॉल है और तब के मुड़ता है लेकिन अंपायर हंस रहे होते हैं खड़े होकर, बिल्कुल वो मतलब उनको करने दिया। फिर उसके बाद आप ये आज का देख लो, बीच में बहुत सारे आउट हुए हैं, DRS के मसले हुए हैं, सब ने उस पर शिकायत करी है, लेकिन उसके बाद आप आज का देख लो क्लासन का आउट, जडेजा ने आउट किया। भाई मैं तो ये कहता हूँ वो उनकी इंडियन कैप्टन थी फीमेल उसकी कौर, हरमनप्रीत कौर, उन्होंने बांग्लादेश की प्लेयर्स को तो बोल दिया था अपने साथ अंपायर को भी लेकर आओ ट्रॉफी के लिए। तो भाई आप बहन अभी भी बोला करो, रोहित शर्मा को भी बोला करो कि अंपायर को भी साथ लाया करो, रोहित शर्मा को मत लाने दिया करो, अंपायर्स का ही कमाल है सारा, जो भी आप जीत रहे हो जितने मैचेस जीत रहे हो अंपायर्स के कमाल से जीत रहे हो। आज भी आप देख लो परसेंटेज है, हाँ होगा बिल्कुल। अब तो मुझे तो भाई पहले लोग, मैं हंसता था इस बात पे कि यार BCCI ICC इस तरह करके होता था, बोलता था नहीं यार इतना नहीं होता, लेकिन इस वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल ही हद कर दी यार, मतलब इतना ज्यादा। और कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर, फॉर्मर प्लेयर हो करंट प्लेयर हो, उस पर बात नहीं कर रहा यार, ये कितनी कोई अजीब सी बात है, मेरी तो समझ नहीं आ रही। आज आप देखो जडेजा का जो बॉल था जो जाके आउट हुआ है, वो क्लासिन आउट हुआ है, वो भी आज बहुत डिबेटेबल बात है कि यार वो एकदम जो उन्होंने क्लिप करवा दिया बॉल, 50% बॉल ट्रैकिंग से वो दूर गिर रहा है, वो लाइन पे नहीं गिर रहा, उसके बाद भी उन्होंने बॉल घुमा के किसी तरह भी क्लिप करवा के आउट दे दिया यार। मतलब वही वाली बात है, एक मसला हो तो मैं बोलूं ना, मिडिल स्टंप करवाया है, नहीं मिडिल नहीं कराया, मतलब वो तकरीबन ये कि मतलब पूछ लो 50% कब होता है वो, मेरे हिसाब से तो बॉल, देखो शुएब मलिक ने भी वो बात की थी जब बॉल बहुत ज्यादा आगे गिरता है
तो कैलकुलेशन का टाइम नहीं मिलता सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजी को, और वो स्टेट दिखा दिया तो स्टेट अगर दिखाओ तो बाहर निकालो ना आपने तो, और उसका टर्न करके क्लिक कर दिया। अली भाई जब बॉल पिच हुआ है ना उसके और पैड के दरमियान फासला बहुत कम था और उस फासले में बॉल सीधा हो गया था, पिच होके सीधा हो गया था, तो बॉल ट्रैकिंग ऑब्वियसली उसको स्ट्रेट ही दिखाएगी। पिच होके सीधा होगा ना, सीधा तो बाहर जाएगा ना, यूं दिखा दिया भाई, वो टर्न हो गया था, दिखा दिया मतलब वो उसको लाइन में ले आया था, आ गई थी ना उसी वक्त ही। इस बात को भी मैं मान लूं, उसके बाद वो जो बॉल पिच आउटसाइड हुई है उसका क्या करेंगे आप? पिच आउटसाइड हम वो यानी कि 50 उसको भी छोड़ो, कोहली का एज लगा अगले फ्रेम में बॉल गायब, वो जादू जादू दिखा रहे, अबे ऋतिक आया हुआ ना ग्राउंड में, धूप धूप भी चल रही है, ज्यादा लग गई और अंपायर के दिमाग पे लग गई धूप। आपको क्या लगता है कोहली के फैन यहीं पर है क्या? तुम देखो 2011 में हम रो रहे थे सचिन को लेकर, उन्होंने इस दफा तो बिल्कुल ही हद कर डाली ना, मतलब वो उन्होंने कहा भाई आज इसकी सालगिरह है तू सेंचुरी बना, वो सही कह रहा था जहाँ सिमरन झा जी ले अपनी जिंदगी वाला सीन, तो उन्होंने बना सेंचुरी, कोहली आज सेंचुरी के लिए खेलना तो ठीक है खेलना चाहिए, कोई आज की जीत हार से उनकी जिंदगी पे फर्क पड़ने वाला था नहीं, उसने कहा मैं अपनी सालगिरह अच्छी गुजार रहा हूं, लेकिन वो अच्छी सालगिरह नहीं गुजर रही थी, एज लग गया, उसके बाद क्या हुआ भाई, एक फ्रेम में एज लग रहा है दूसरे फ्रेम में बॉल गायब, फिर जोर कत्ल कर दे भाई मेरा, नहीं देख सकता मैं इस टाइप का घटिया वर्ल्ड कप भाई। चले चले बॉलिंग का तो हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, ये काफी सारी चीजें डिबेटेबल हैं और उनके ऊपर आप जरूर हमको अपनी राय से आगाह करिएगा, लेकिन इंडिया की भाई आप लोग जरूर येगा, आप लोग का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप लोग कर दिएगा दे दिएगा गालियां नीचे बीसीसीआई को, इंडिया की बॉलिंग तो चलो हमने डिस्कस कर लिया, बीसीसीआई को गाली देने के लिए सिर्फ सीआई हटाना है, बगैर आपका काम हो जाएगा। अफगानिस्तान से मैच हमारा चेन्नई में रख दिया, खुद का कहीं और खेल लिया, मतलब आप खुद भी खेल लेते ना चेन्नई में, आज आप देख लो ना कि वो कैसा फंसे आज से, वो उनको पता था कि अफगानिस्तान से फंस जाएंगे, लेकिन खैर अफगानिस्तान फंसाता भी नहीं। शम्सी का मैं कहना चाहूंगा वो जो है आपका शम्सी और महाराज ने उन्होंने एक पीरियड तक इंडिया के जो कोहली और अय्यर है उनको रोक कर रखा और काफी मजा आ रहा था, बॉलिंग बैट और बॉल के दरमियान जो कंपटीशन था वो देखने में मजा आ रहा था। ये देखे ना कि शुरू के 10 ओवर में जो जब पहला पावर प्ले एंड हुआ है तो इंडिया का जो रन रेट था वो 9.2 या 9.3 था, उसके बाद 25 या 26 ओवर में जाके 5.70 हो गया था। हाँ मतलब इतना नीचे यानी उन्होंने बिल्कुल यानी ऐसे ऐसे भी ओवर निकले, यानी आप देखो ना यार महाराज ने 10 ओवर में 30 या 28 रन दिए, वो तो भाई उसको तो पागल कर दिया उन्होंने प्रिंस को, लाउडली हुआ। अच्छा ये ना ये जितने प्रिंस है ना इनके साथ यही होता है, जैसे गंगोली का भी हुआ था वो भी यही बोल रहे थे आउट हुआ है, नहीं नहीं ये करीना कपूर है कौन है इसने पू को नहीं देगा वो वाला सीन, इनको ना समझ भी नहीं आ रहा कि अबे बोल्ड हो गया भाई, इतना प्यारा बोल्ड मारा है, जरूरी थोड़ी है सिर्फ कुलदीप ही कर सकता, महाराज भी कर रहा था भाई। हाँ बैट और बॉल के दरमियान कंपटीशन ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि भाई ये पिच कुछ डिफरेंट है, लेकिन इंडिया जो है जब उस पे आता है बॉलिंग करने के लिए वो बिल्कुल जो यार उसकी देखो वजह वही है कि वो डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन लेंथ का ख्याल रख रहे हैं, ये तो आप मानेंगे हां कि अब लाइन लेंथ थोड़ी वो कोई वो करते हैं। मैं देखो आपको डे वन से एक चीज कह रहा हूं कि देखो उनके पांच बॉलर है ना, पांच में से मैं बोलता हूं बुमराह और कुलदीप वो एक बहुत ही आउट क्लास बॉलर है, जब ये 20 ओवर आपको फंसाते हैं तो 30 ओवर आप खुद भी फंसे ही रहोगे, जब 20 ओवर इतना बुरा फंसोगे। हमारा क्या है मेन बॉलर शाहीन है जो पिट रहा है बेहतरीन तरीके से, एक आपका बॉलर नसीम शाह वो इंजर्ड होके पहले घर में बैठा हुआ, हारिस रऊफ साहब वो टेप बॉल ही समझ के ऐसा लग रहा है उनको बार बार हर बैट्समैन में तैमूर मिर्जा दिख रहा है, वो आगे से पटाक पटाक छक्के मार रहा है और वो खा रहे हैं छक्कों का, यार उन्होंने रिकॉर्ड बना डाला, अबे बैट्समैन को बनाना होता है बॉलर को नहीं, उसने बॉलर हो गए छक्कों का रिकॉर्ड बना लिया, कितने 18-20 छक्के खा लिए, वो कहते हैं वो उनको बैटिंग का शौक था गलती से बॉलर बन गए वो वैसे रिकॉर्ड। चले इस वक्त जो है इंडिया तो सेमीफाइनल क्या वो तो टॉप पे ही रहेगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, अभी सेमीफाइनल उनका जो है इफ वी क्वालीफाई वो वाला हाल हो गया भाई जान सानू ना छेड़ो, अगर हम क्वालीफाई करते हैं तो हमारा सेमीफाइनल इंडिया से पड़ेगा। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई, आप हमारे साथ वर्ल्ड कप को एंजॉय करते रहें और जरूर अभी हिम्मत नहीं हारनी है क्योंकि वी आर स्टिल इन इट और हम हो सकता है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर दें। आने वाले कुछ क्या नाम है 9 और 11 तारीख जो है वो काफी क्रूशियल है हमारे लिए, तो कीप प्रेइंग एंड लेट्स होप के पाकिस्तान क्वालीफाइज फॉर द सेमीफाइनल। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।